हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं यामा R15 वर्जन 3 BS6। जी हाँ दोस्तों, ये है वो बाइक जैसा कि देख रहे हो मेरे पास में है। अभी इस बाइक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, तो चलिए देख लेते हैं इस बाइक के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो यामा R15 वर्जन 3 BS6। जैसे कि देख रहे हो आपके सामने है ये बाइक। अभी इस बाइक के बारे में सब कुछ आप सबको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि देख रहे हो इसका जो डिजाइन है बहुत ही अच्छा है, देख रहे हो आपके सामने है ये बाइक। दोस्तों ये है हेडलाइट, डबल हेडलाइट, जैसे कि देख रहे हो LED हेडलाइट है। ये मॉडल देख रहे हो बहुत ही अच्छा है। और ये है हॉर्न, और ये है सामने का ब्रेक, डिस्क ब्रेक है ये, 282 mm का डिस्क ब्रेक है ये। और ये सामने का टायर 180/17 साइज है इस टायर का। और ये है लोगो R15। दोस्तों चाबी ऑन करते ही कुछ ऐसा ही डिजिटल मीटर पे आपको कुछ ऐसा ही दिखने को मिलेगा। मैं चाबी ऑन करने जा रहा हूँ अभी, देखो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे हॉर्न, इंडिकेटर एंड पास का बटन आपको मिल जाएगा, जैसे कि बाकी सब बाइक में होता है। और यहाँ पे सेल्फ, जैसे कि बाकी सब बाइक में भी होता है। और यह है लोगो यामा का। यह है ऑयल टैंक, 11 लीटर की ऑयल टैंक है। डिजाइन देख रहे हो बहुत ही अच्छा है। और यह है गियर, ये इस बाइक पे आपको 6 गियर दिखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 6 गियर दिखने को मिलेगा इस बाइक पे आपको। पीछे जो बैठा है उसके पैर रखने की जगह है ये। और ये है पीछे का टायर, 140/17 mm साइज है इस टायर का। और यह है पीछे का हाइड्रोलिक, मोनोशॉक लिंक सस्पेंशन है ये। और यह बैकलाइट डिजाइन देख रहे हो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टाइलिश है बैकलाइट का डिजाइन। और यह है पीछे का ब्रेक, डिस्क ब्रेक है ये, 220 mm का डिस्क ब्रेक है ये। और यह है साइलेंसर, डिजाइन देख रहे हो बहुत ही अच्छा है। और ये है पीछे का ब्रेक, जैसे कि देख रहे हो। और ये है इंजन, लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOAC इंजन,
155cc का इंजन है, मैक्स पावर 18.6 PS, 10,000 RPM, मैक्स टॉर्क 14.1 Nm, 8,500 RPM। दोस्तों मेरे वीडियो का अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता ही रहूँगा, ठीक है। थैंक्स।